तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए गुदौलिया, और गुदौलिया का दोपहर का मार्केट देख लीजिए। ये कॉरिडोर, ये है कॉरिडोर, और पता नहीं एंट्री मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आज योगी जी आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव। दोस्तों अभी हमें इंडिया की सबसे पुरानी सिटी वाराणसी में, और अभी हम जो काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके निकले हैं, और अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, साथ में निशान भाई थे, देखिए प्रसाद वगैरह अपना। तो अभी हम सोच रहे हैं कि भाई वाराणसी आए, सुबह का नाश्ता ना करें कचौड़ी तो फिर क्या ही। तो अभी हम दर्शन करके निकले आगे से, तो हम आ गए श्री विश्वनाथ जलपान गिरी में कचौड़ी खाने। भैया कचौड़ी जलेबी है क्या, कैसे है प्लेट? अच्छा आइए आइए, चलते आ गए निशान भाई, आइए चलते। अच्छा अंदर आओ, कैसे है कचौड़ी जलेबी? 60 रुपये प्लेट। क्या कराएगा? 4 कचौड़ी सब्जी दे दीजिए। तुम भी लोगे? दो प्लेट दे दीजिए। देखिए एकदम गर्मा गर्म जो है कचौड़ी निकल रहा है, जलेबी निकल रहा है। सूरज श्रीवास्तव ब्लॉग्स देवरिया, और इधर सिटिंग एरिया भी है, तो आइए बैठते हैं, अपना सुबह बनारस का नाश्ता करते हैं, गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी। भाई वाराणसी आया, सुबह का नाश्ता कचौड़ी जलेबी ना किया तो फिर क्या किया। तो यहाँ पर 60 रुपये प्लेट है रेस्टोरेंट के हिसाब से, बाकी आपको 20, 25, 15 ऐसे भी मिल जाएगा स्ट्रीट पे, हर जगह अलग अलग रेट का मिल जाएगा आपको। तो अभी हम जो है इस रेस्टोरेंट में हैं और खाते हैं कचौड़ी जलेबी, और आता है तो आपको भी टेस्ट बताते हैं। ये आ गया अपना कचौड़ी, और ये आ गया पनीर की सब्जी है क्या? पनीर मटर आलू, इसीलिए इसका कॉस्ट जो है 60 रुपये। जलेबी है इसमें? अच्छा ये जलेबी इसी में है, अभी ला रहे हैं वो। ये देखिए अपना गर्मा गर्म फूला फूला कचौड़ी, और इसमें स्टफ किया गया है कि नहीं देखते हैं, कुछ स्टफिंग तो नहीं दिख रहा है अंदर, किया गया है साथ से थोड़ा कुछ डाला गया है। ये टेस्ट करते हैं, ये आ जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, सब्जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ में मिला ये जलेबी। मस्त भाई, सुबह बनारस का नाश्ता ये कचौड़ी और सब्जी और जलेबी। और आज हम लोग का लास्ट दिन है वाराणसी में, और ये पनीर का साइज भी काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ये जो कचौड़ी और सब्जी है सिर्फ ये 60 रुपीज़ का है, बाकी ये 20 रुपये का आप अलग से जलेबी ले सकते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा अपडेट दे दें आपको। बाकी सब्जी हमने फिर से रिफिल कराया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है सब्जी का टेस्ट। तो दोस्तों अभी जो है हम कचौड़ी सब्जी खा के निकल गए हैं, और अब जा रहे हैं होटल, और 12 बजे अपना जो है चेकआउट भी है, तो आराम से चलते हैं चेकआउट करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे बाहर घूमने, थोड़ा घाट वाट घूमा जाएगा, फिर अपनी ट्रेन है, ट्रेन पकड़ के फिर अपने घर। बाकी अभी मॉर्निंग का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दर्शन करने के लिए, रोड पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, और आपको सालों बार इतना भीड़ देखने को मिलेगा ही, और सबसे ज़्यादा भीड़ सावन के टाइम में होता है, क्योंकि महादेव के सारे भक्त उस समय हर जगह से दुनिया भर से आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अगर आपने हमारा क्रूज वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखिएगा, एक फैमिली थी जो अमेरिका से आई थी वाराणसी घूमने, मतलब इंडिया के 6 लोग लेकिन अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो वो लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए हमारे साथ ही, हम उन लोगों ने भी क्रूज पर अपना राइड किया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, सारे लोग फ्रेंडली थे, और लग ही नहीं रहा था कि उतने एज के लोग हमारे साथ हैं। तो फाइनली तो हम लोग होटल जो है चेकआउट करके निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं घाट पे, और 2-4 घंटा घाट पे बिताएंगे, उसके बाद जो अपनी ट्रेन है शाम की, और फिर उसको पकड़ के अपने घर निकल जाएंगे। बाकी अभी हमें
रदौलिया के पास जो गिरजाघर है उसके ठीक पास, और यहीं हमारा होटल भी था। तो अब चलते हैं सीधे घाट पे, आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए गुदौलिया, और गुदौलिया का दोपहर का मार्केट देख लीजिए। दोपहर में भी काफ़ी भीड़, मॉर्निंग में भी भीड़ था और इवनिंग के टाइम में तो भाई साहब चलने का जगह नहीं रहता। अभी तो जो जगह खाली है उतना काफ़ी है, नहीं तो रात के समय पूरा एकदम फुल और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देख लीजिए आप लोग दोपहर का व्यू गुदौलिया का। भाई इतने फॉरनर दिखे हैं ना, इतने फॉरनर, और हमारे एक रील भी आया है एक फॉरनर के साथ इंस्टाग्राम पे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पेज को हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अभी आपको पूरा दिखाते हैं व्यू गुदौलिया का। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गुदौलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंच गए। भाई साहब यहाँ पे जितनी बार आओ उतना बार अच्छा लगता है, एकदम नया लगता है कुछ ना कुछ। ये देखिए सामने आप व्यू देख सकते हैं नदी का, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ नाव ही नाव चल रही हैं, क्या ही कहें यार। मन करता है आने के बाद कि यहाँ से जाए ही ना, इतना खूबसूरत यहाँ का माहौल लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके महादेव की नगरी में। आइए चलते हैं आपको कॉरिडोर की तरफ चल के दिखाते हैं। हाँ अभी हम दशाश्वमेध घाट पे हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट से काशी कॉरिडोर की तरफ, और इधर शॉर्टकट लेते जा रहे हैं घाट घाट से होते जा रहे हैं। और आज नाव पूरी तरह से बंद है क्योंकि आज जो है योगी जी आ रहे हैं, और जो लोग चला रहे हैं उनके ऊपर चलान भी कट रहा है, पुलिस वाले काट रहे हैं। जो नाव चल रही है देख सकते हैं, एक दो चल रही है जो, उस पर पुलिस वाले रोक भी लगा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, इसलिए जो है नाव वगैरह काफ़ी बंद है। अब चलते हैं आपको कॉरिडोर दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं काशी कॉरिडोर की तरफ, और यहाँ पे आप लोग पतंग वगैरह भी उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पतंग का मिल रहा है, पतंग वगैरह भी उड़ा सकते हैं। इधर नागा बाबा बैठे हैं, ये देखिए आगे चलते हैं। भाई यहाँ आने के बाद एकदम जाने का मन ही नहीं करता है, 3 दिन हम लोग रहे, लग नहीं रहा कि 3 दिन है, लग रहा है कि अभी आ ही रहे हैं बस। और जितनी बार घाट पे आए उतनी बार अलग ही दिखा और खूबसूरत दिखा जितनी बार हम लोग घाट पे आते हैं। काशी कॉरिडोर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, जो बर्ड्स हैं इधर नहीं दिख रही हैं, वो 80 घाट पे ही ज़्यादा दिखती हैं, और 80 घाट बहुत उल्टा हो जाएगा हम लोग अभी जाएंगे तो। कल का वैसे भी आप लोग को दिखा ही चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए काशी कॉरिडोर, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। आपको आगे चल के दिखाते हैं, ये देखिए काशी कॉरिडोर यहाँ से शुरू हो गया। ये देखिए चिड़िया, पहले आपको काशी कॉरिडोर दिखा देते हैं व्यू। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाया गया भाई। उधर है मणिकर्णिका घाट, और जीवन की क्या सच्चाई है आप आके जान सकते हैं, जो सत्य है वो जान सकते हैं आप, सत्य यही है। देखिए मणिकर्णिका घाट पे आपको दिख रहा होगा, लास्ट में सबको यहीं आना है, चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले कितना भी नाम, लास्ट में आप यहीं आएंगे। क्यों भैया, सत्य है जीवन का। और ये देखिए खूबसूरती कॉरिडोर का। मणिकर्णिका घाट, आइए ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैमरा वगैरह अलाउ है कि नहीं कॉरिडोर तक के अंदर। ये देखिए हम पहुंच गए कॉरिडोर, ये है कॉरिडोर, पता नहीं एंट्री मिलेगा कि नहीं क्योंकि आज योगी जी आने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कॉरिडोर के अंदर और आपको ले चल के दिखाते हैं कॉरिडोर के अंदर का पूरा व्यू। ये देखिए इवनिंग का समय रहता ना तो और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे पूरा जो है फोटो चलता है, अभी डिजिटल वाला प्रोजेक्टर वाला। भाई एकदम सीढ़ी चलते चलते ना थकान हो जा रहा है। सीढ़ी सीढ़ी है यार, पसीना छूट गया इतने ठंडे में भी। हम आपको अंदर तो नहीं ले जा पाएंगे, कॉरिडोर के गेट तक ले जाएंगे जो से मंदिर शुरू है। देखिए लाइन लगी है दर्शन करने के लिए। और काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दर्शन करना है तो कोशिश कीजिए कि सुबह ही आइए आप। ये देखिए भारत माता का भी जो है बना हुआ है, आपको थोड़ा सा आगे चल के और दिखा देते हैं। और ये देखिए यहाँ से पूरा नज़ारा और अंदर आपको मंदिर भी दिख रहा होगा वहाँ पे। देखिए अंदर अंदर जाना, इस गेट के उधर जाना तो अलाउ नहीं है, पर यहीं से हम आपको दिखा दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है ये देखिए। तो दोस्तों काशी कॉरिडोर जो है ना काफ़ी अच्छा है और यहाँ से आप लोग को मंदिर का भी फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ले सकते हैं, आराम से दिख रहे हैं मंदिर। बाकी आपको थोड़ा बहुत सैर करा देते हैं आसपास में इधर। थोड़ा और घुमा देते हैं इधर उधर। श्री अमृतेश्वर महादेव मंदिर ये देखिए सामने। ये देखिए इधर जमीन के नीचे इधर शौचालय भी है। और हम फिर निकलते हैं कॉरिडोर से बाहर और थोड़ा सा घाटों पे बैठ के थोड़ा आनंद लेते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ के फिर अपने घर लौट जाएंगे। तो दोस्तों कॉरिडोर से भी आप व्यू देख सकते हैं नदी का, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।